वेलकम बैक, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज हो गया 15 जनवरी, तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे पटना हाई कोर्ट में निकली बम्पर बहाली के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे शराब माफिया को लेकर सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया है। साथ ही आपको हम बताएंगे बिहार में होने वाले पैक्स चुनाव के बारे में। बड़ी खबर बताएंगे 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे 1 से 8वीं तक के स्कूल। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे बिहार के कौन से गांव में मिलेगी ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की सुविधा। फिर आपको हम बताएंगे नल जल कनेक्शन के लिए आपको कौन से आईडी की जरूरत होगी। साथ ही आपको बताएंगे बिहार में आर दीघा ब्लॉक 6 लेन कब से चालू होने वाला है। साथ ही आपको बताएंगे बिहार में अब अनारक्षित ट्रेनों के लिए मिलेगा नया मासिक सीजन टिकट। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आप कब से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर आपको रिपोर्ट देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार में ममता बनर्जी पर केस दर्ज किया गया है। पटना में आज 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए लगेगा रोजगार मेला। साथ ही आपको बड़ी खबर देंगे बिहार में प्रतिबंधित दवाओं के ऊपर हाईकोर्ट ने क्या निर्देश जारी किया। इसके बाद बड़ी खबर आपको बताएंगे बिहार में मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना जल्द शुरू होने वाला है। और फिर अंत में हम आपको बड़ी खबर देंगे कि बिहार में बेहतर काम करने वाले कर्मियों के लिए मंत्री हर साल देंगे 1,11,000 रुपए। तो हमेशा की तरह फटाफट से आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। आज की सबसे पहली खबर, पटना में आज 10वीं पास युवाओं के लिए लगेगा रोजगार मेला, मारुति में नौकरी पाने का मौका। जी हां दोस्तों, मैट्रिक व 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग शुक्रवार को जॉब कैंप लगाने जा रहा है। पटना के दीघा स्थित ITI में जॉब फेयर लगाने जा रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 250 रिक्तियों के लिए 18-22 साल युवक जॉब फेयर में शामिल हो सकते हैं। मैट्रिक पास आवेदन कर सकते हैं। अवर प्रादेशिक नियोजन के अनुसार यह जॉब कैंप सिर्फ पटना जिला के आवेदकों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा रिलायंस जियो और इंफोकॉम लिमिटेड में 10 के लिए 18 से 32 साल के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट में बम्पर बहाली, 1469 पदों की होगी नियुक्ति। जी हां, रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पटना हाईकोर्ट में इस साल बम्पर बहाली होने जा रही है। हाईकोर्ट में इस साल 1469 अलग अलग पदों पर नियुक्तियां होगी। हाईकोर्ट प्रशासन में राज्य सरकार द्वारा सृजित 1469 पदों के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने अपने कर्मियों को नए साल का तोहफा देते हुए नियुक्ति और पनौती नियमावली को भी स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि नई नियुक्ति और पनौती नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग पदों पर बहाली होगी। हाईकोर्ट के लिए राज्य सरकार ने जो 1469 पद स्वीकृत किए हैं उन पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना जल्द, हर साल 2,500 महिलाएं बनेंगी उद्यमी। जी हां, बिहार सरकार का फोकस अब महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की है। उनसे प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना जल्द शुरू होगी। हर साल 2,500 महिला उद्यमियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी हर साल बिहार में 2,500 महिला उद्यमी बनेगी। उद्योग विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। स्वीकृति के लिए इसे लोक वित्त समिति को भेज दिया गया है। इस योजना को लेकर उद्योग विभाग CM के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। बड़ी खबर, बेहतर काम करने वाले कर्मियों के लिए मंत्री हर साल देंगे 1,10,000 रुपए। जी हां, राजस्व संबंधी कार्यों में पिछड़े अंचलों में मुख्यालय से अधिकार भेजे जाएंगे। ये अधिकारी वहां काम की मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही काम में तेजी लाने का तरीका कर्मियों को बताएंगे। इसी बीच विभाग के मंत्री राम सूरत अच्छा काम करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए हर साल अपने वेतन से 1,01,000 रुपए देंगे। विभाग इस पैसे को बेहतर काम करने वाले कर्मियों के बीच बांटेगा।
बड़ी खबर, बिहार में ममता बनर्जी पर केस दर्ज, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी मुकदमा। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने को है, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में ममता और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल बंगाल में चुनाव प्रचार के समय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने देवी सीता को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इस बयान का भाजपा ने जबरदस्त विरोध किया था और अब सीतामढ़ी में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिहार में बर्ड फ्लू का मंडराया खतरा, मुजफ्फरपुर में मुर्गियों के बाद मरे कौवे और कबूतर। जी हां, देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा लिया है और अब बिहार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। मुजफ्फरपुर में बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत के बाद कौवे और कबूतर मरे हुए मिले हैं, जिसके बाद अब यह चर्चा है कि राज्य के अंदर भी बर्ड फ्लू ने एंट्री ले ली है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया और जयतपुर इलाके में कौवा और कबूतर के साथ साथ मुर्गियां मृत पाई गई है, जिसके बाद इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग इसे बर्ड फ्लू का असर मान रहे हैं। शराब माफिया पर सरकार की नकेल, डेढ़ दर्जन धंधेबाजों की संपत्ति जब्त करेगा ईडी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब बंदी अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार समीक्षा बैठक करते रहे हैं। नीतीश कुमार की नज़र अब ऐसे शराब माफिया पर है जिन्होंने शराब बंदी कानून लागू होने के बाद अकूत संपत्ति बनाई है। शराब के अवैध कारोबार में शामिल ऐसे धंधे वालों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया और लगभग डेढ़ दर्जन धंधेबाजों की अवैध संपत्ति जब्त की कवायद शुरू होने जा रही है। शराब माफिया की संपत्ति पर अब आर्थिक अपराध इकाई के साथ साथ ईडी की भी नजर है। बिहार सरकार की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई ने शराब के अवैध कारोबार में शामिल डेढ़ दर्जन धंधेबाज की अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए सूची ईडी को भेज दी है। बिहार में 30 जनवरी से शुरू होगा नामांकन, 15 फरवरी को 1511 पैक्सों के लिए वोटिंग। जी हां, बिहार में 1511 पैक्सों के चुनाव के लिए बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिसूचना जारी की है। 15 फरवरी को मतदान की तारीख रखी गई है और 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 30 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 15 फरवरी को मतदान की तारीख रखी गई है और सुबह 6:30 से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतदान के तुरंत बाद मतगणना भी की जाएगी। बड़ी खबर, 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे 1 से 8 तक के स्कूल, राज्य सरकार ने लिया फैसला। जी हां, बिहार में 1 से 8 तक के स्कूल 18 जनवरी से नहीं खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले से तय किया था कि 18 जनवरी से जूनियर कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह जानकारी दी है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 25 जनवरी के आसपास सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। इसी बैठक में जूनियर कक्षाओं के स्कूल को खोलने पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार के गांवों में मिलेगी अब ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की सुविधा, जानिए सारण के किन किन प्रखंडों को मिलेगा लाभ। जी हां, छपरा के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अब बेहतर व विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए सरकार के माध्यम से जिले के स्वास्थ्य संस्थान में अब हैंड स्कोप प्रणाली से टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि जिले के सदर प्रखंड मांझी, मसरक, मरोड़ा, जलालपुर, गड़खा, दरियापुर, आमनोर और बनियापुर में ये सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। आज से चालू होगा पटना का लाइफलाइन, आर ब्लॉक दीघा 6 लेन रोड का सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। आर ब्लॉक दीघा रोड का 15 जनवरी यानी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसको लेकर रोड के सभी काम को फाइनल टच दिया गया है। इस सिलसिले में बुधवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने अधिकारियों की टीम के साथ इसका निरीक्षण भी किया है। सड़क बनकर तैयार है और इसके उद्घाटन के बाद पटना को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इससे दीघा इलाके के आर ब्लॉक तक आना अब बेहद आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि शहर के दो हिस्से अब तेज रफ्तार वाली सड़क से आपस में जुड़ जाएंगे, चंद मिनटों में ही एक छोर से दूसरे छोर पहुंचा जा सकता है।
बिहार में अब अनारक्षित ट्रेनों के लिए मिलेगा नया मासिक सीजन टिकट। आरा होकर जाएगी पटना भभुआ इंटरसिटी। जी हाँ, पूर्व मध्य रेल के कई खंडों में यात्रियों की सुविधा के लिए अनारक्षित ट्रेनें चल रही है। इनमें मेमू डेमू लोकल ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों के लिए लोग मासिक सीजन टिकट कटा सकते हैं। दानापुर रेल मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक आधार राज ने ट्वीट करके जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार कोरोना को लेकर अभी स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। ऐसी ट्रेनें आरक्षित है, इसीलिए मासिक सीजन टिकट का उपयोग केवल अनारक्षित ट्रेनों के लिए किया जा सकता है। मासिक सीजन टिकट नहीं होने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी, इसीलिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत 15 से, अब ऐसे कराए रजिस्ट्रेशन, पाए मनचाही ट्रेनिंग और रोजगार। जी हां, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से संचालित की जाने वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत 15 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो रही है। PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत देश के 600 जिलों में होगी। जानकारी के अनुसार इस चरण में कोरोना वायरस से संबंधित योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है वह मुफ्त होती है। इसके लिए युवाओं को किसी तरह का शुल्क देने की जरूरत नहीं होती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पहला चरण 2015 में शुरू हुआ था और दूसरा चरण 2016 में शुरू किया गया था। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार PMKBYOfficial.org पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, अब तक की कार्रवाई पर मांगे जवाब। जी हां, बिहार सरकार प्रतिबंधित दवाओं के लिए निर्माण के लिए लाइसेंस नहीं देती है तो फिर कैसे इनका निर्माण हो रहा है? सूबे में धड़ल्ले से इनकी बिक्री कैसे हो रही है? ऐसी लापरवाही कोर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बुधवार को प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री व निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने तलख टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को एक सप्ताह के भीतर यह बताने को कहा है कि प्रतिबंधित दवाओं के निर्माण व बिक्री पर लगाम लगाने के लिए तैनात किन किन अधिकारियों के लापरवाही के कारण सूबे में इनका निर्माण व बिक्री हो रहा है। कोर्ट ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। और अंत की बड़ी खबर, फसल क्षति की भरपाई को कृषि अनुदान पाने के लिए भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता खत्म। जी हां, बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए अद्यतन भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। साथ ही इस आधार पर जिन किसानों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं उन पर फिर से विचार किया जाएगा। कृषि व सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि खरीफ में आई बाढ़ के कारण राज्य के 17 जिलों में हुई फसल क्षति की भरपाई करने हेतु किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के क्रम में कई जिलों के किसानों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि उनके पास भूमि का अद्यतन लगान रसीद नहीं रहने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत किया जा रहा। इस पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया कि कृषि इनपुट अनुदान के लिए वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 के लिए भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता नहीं होगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है और यह किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।